जय श्री कृष्णा दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में भगवान श्री कृष्ण के महान व्यक्तित्व को कानून के मध्य नज़र रखते हुए एक छोटा सा संक्षेप लेते हैं कि भगवान ने अपनी बांसुरी बजाकर लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा बनाया कि ब्रज वृंदावन मथुरा ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया उनके प्रेम के रस में रम गई। और जब लॉ ऑफ प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ी तो उसी बांसुरी बजाने वाली उंगली पर गोवर्धन पर्वत ऐसे उठाया कि भगवान इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाया। और जब ब्रह्मांड को जरूरत पड़ी तो सुदर्शन चक्र उठा के ब्रह्मांड को बचाया। कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो भगवत गीता जैसा महान की 5000 सालों में भी एक भी अमेंडमेंट नहीं हुआ और आज उसी से बहुत सारे कानून बनते जा रहे हैं। जस्टिस बने तो ऐसे कि द्रौपदी को धर्म और सत्य की रक्षा पर जीत दिलाई, और एडवोकेट्स बने, वकील बने तो ऐसे कि अपने ही क्लाइंट के लिए, पांडवों के लिए शांति प्रस्तावना लेकर दुश्मन के इलाके में ऑपोजिट के पार्टी में जाते हैं और शांति प्रस्तावना जब एक्सेप्ट नहीं होती हैं तो महाभारत जैसे संग्राम के द्वारा एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करवाते हैं और अक्षुणी सेना के सामने 5 पांडवों की जीत करवाते हैं, अपने क्लाइंट की जीत करवाते हैं, उनको विजय हासिल करवाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हम सभी भगवान श्री कृष्ण की एडवोकेसी में जीते रहे, प्रसन्न रहे और सुख समृद्ध रहे, और उनकी एडवोकेसी में हमेशा खुश रहे। तो हैप्पी बर्थडे माय लॉर्ड कृष्णा, और आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत सारी ढेरों का सारी शुभकामनाएं, और आप सभी भगवान श्री कृष्ण की एडवोकेसी में संपूर्ण संपन्न रहे। थैंक यू।